हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग में आपको लॉसेस क्यों होता है, क्या रीजन है जिसके कारण से आप अपने ट्रेड में लॉस कर बैठते हैं। तो उन सारे रीजन के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, उन सारे पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो आप मिस्टेक्स करते हैं, जो गलती करते हैं, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उससे हम कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, जिससे हम जो गलती करते हैं वो दोबारा आगे आने वाले ट्रेड में रिपीट ना करें और जो हमें लॉसेस होता उस लॉसेस को हम एवॉइड कर पाएँ। एज ए रिजल्ट हमारा ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होगा। तो इन सब के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अपना आने वाले टाइम में वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सा तरीका है जिसके जरिए हम मार्केट में लॉसेस को एवॉइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो मार्केट में लॉसेस क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। हम सब पॉइंट के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं और हम इस उम्मीद से उस इंडिकेटर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें क्विक पैसा बना के देगा, जल्दी पैसा बना के देगा। तो ऐसा कोई भी इंडिकेटर्स अभी तक नहीं बनाया और ना ही आने वाले टाइम में बनेगा जो कि आपको बहुत जल्द क्विक पैसा बना के दे सकता है। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से किसी इंडिकेटर्स को ऐड कर रहे हैं कि वो हमें बहुत जल्दी पैसा बना के देगा, हम उस इंडिकेटर के भरोसे पैसा बना लेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर को ऐड किया जिसका नाम है RSI। अब लोग RSI इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये 20 से नीचे आ जाता है लोग इसको बोलते हैं कि हमारा ओवर सोल्ड जोन हो गया है और यहाँ पे हमें क्या करना, बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करना है। और जब ये आपका 70 से ऊपर चला जाता है तो लोग बोलते हैं कि ओवर बॉट जोन हो गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई कर रखा, अब यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करना। लेकिन ऐसा करना सरासर गलत है। अगर आप इस बेसिस पे काम करते हो तो कई बार आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ पे ट्रैप में फंस जाओगे और एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपको अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे ट्रेड करेंगे, सिर्फ एक इंडिकेटर का इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एटलीस्ट दो इंडिकेटर या फिर दो से ज़्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे हम दोनों के एक्यूरेसी लेवल को चेक करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या चेक करेंगे, हम कैंडल्स के स्ट्रेंथ को भी चेक करेंगे। एट द सेम टाइम हम क्या देखेंगे, हम प्राइस एक्शन को भी देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी जहाँ पे हमें रिवर्सल का इंडिकेशंस आ रहा है, क्या वहाँ पे सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बायर से सेलर्स के बीच में और सेलर्स से बायर्स के बीच में। इन सब पॉइंट को कवर करते हुए हम अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे। सिर्फ एक इंडिकेटर्स के बेसिस पे या फिर दो इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं बना सकते, इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे नुकसान करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी एक इंडिकेटर के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे आपको कैंडल्स के स्ट्रेंथ को देखना होगा, प्राइस एक्शन को समझना होगा और आपको और भी मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हुए फिर आपको अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करना होगा, तब जाके आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे यानी सिंगल कैंडल के बेसिस पे वो अपना ट्रेडिंग डिसीजंस इनिशिएट कर लेते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना, किसी एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हो। वहाँ पे आपके ट्रैप में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और अल्टीमेटली आप लॉस कर बैठोगे। और यही रीज़न है कि मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं क्योंकि वो जैसे ही देखते हैं कोई सिंगल कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर्स का दिख रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलर्स का दिख रहा है, वो उस मोमेंटम में बह जाते हैं और वहां पे वो ट्रेड कर बैठते। कई बार क्या होता है ऑपरेटर्स के द्वारा भी बहुत सारे कैंडल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, वो कुछ मिनटों के लिए मार्केट में अपना कब्जा कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक बने नहीं रह सकते। इसलिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए तो वहाँ पर आप फॉलोअप बाइंग का वेट कीजिए, फॉलोअप बाइंग आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए तो फॉलोअप रेड कैंडल का वेट कीजिए, फॉलोअप सेलर्स का वेट कीजिए, तभी हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम चार्ट पे चल के थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, चार्ट पे देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल है ये काफ़ी हद तक आपका क्या है, ये आपका बनाया है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक, और ये हमें क्या हिंट और इंडिकेशंस देता है, ये हमें इंडिकेशंस देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर साइड की तरफ जाएगा, आप बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन जैसे इसके बाद हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, अल्टीमेटली प्राइस नीचे आया और यहाँ पे मेरा क्या हिट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा और अल्टीमेटली हम यहाँ पे लॉस में आ जाएंगे। तो इसलिए किसी एक कैंडल्स को फॉलो करते हुए हमें ट्रेड नहीं लेना। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि देखते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, आगे हमें और भी ज़्यादा बायर्स आते हुए दिखेंगे, हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर लेते हैं, प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पे अर्ली एंट्री कर लेते हैं। तो अर्ली एंट्री कुछ नहीं होता, आपको प्रॉपर जगह पे बायर्स के स्ट्रेंथ को देखते हुए, सेलर्स के स्ट्रेंथ को देखते हुए एंट्री करना है। जैसे यहाँ पर अगर हमें एंट्री करना होगा तो यहाँ पर ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पे हम वेट करेंगे कि इसके बाद फॉलोअप बायर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद फॉलोअप बायर्स आए हैं, लेकिन अगर हम कैंडल के स्ट्रेंथ को चेक करें तो ऊपर में हमें अच्छा खासा टेल देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइस ऊपर गया, ऊपर के लेवल्स पे बायर एक्टिव नहीं है, मतलब क्या है ऊपर के लेवल पे जो सेलर्स है उनका थोड़ा सा प्रेजेंस हमें दिख रहा है, सेलर्स कुछ ज़्यादा यहाँ पर हमें एक्टिव दिख रहे हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बाय साइड की तरफ पोजीशंस हमें लेना था उसको यहाँ पे हम होल्ड पे डालेंगे, हम वेट करेंगे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आता है जहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ रहता है, वहाँ पे हम बाय पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। उसके बाद अगला कैंडल भी ग्रीन बना लेकिन उसमें भी हमें टॉप में टेल देखने को मिल रहा है, कैंडल के स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, बायर्स के स्ट्रेंथ में कमी देखने को मिल रहा है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे हम बाइंग पोजीशंस को स्टिल होल्ड पे रखेंगे, बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद तीसरा कैंडल हमें रेड बना दिया, यानी जो हमने बाय पोजीशंस को होल्ड पे रखा था, जो हमारा डाउट था वो डाउट सही साबित हुआ। और ये जो आपका रेड कैंडल बना है इसमें भी ऊपर में लॉन्ग टेल बना है, मतलब अब यहाँ पे सेलर्स काफ़ी हद तक मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मार्केट को कंट्रोल भी किए हैं। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कैंडल के स्ट्रेंथ को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक कैंडल नहीं मल्टीपल कैंडल्स को देखें और हम कैंडल्स के स्ट्रेंथ को चेक करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय साइड की तरफ पोजीशंस नहीं लेना, जो बाय करना उसको एवॉइड करना। तो इस तरीके से अगर आप सिंगल कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। आप यहाँ पे मल्टीपल कैंडल या फिर कैंडल के स्ट्रेंथ को यूज़ करोगे और हम प्राइस एक्शन को समझेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे जो ट्रैप बिछाया गया है उस ट्रैप को हम एवॉइड कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो लॉस हम कर सकते थे उस लॉस को यहाँ पे हम एवॉइड करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, किसी एक कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट जो है आपका पूरा कैपिटल यानी सारा का सारा पैसा किसी सिंगल ट्रेड में नहीं लगाना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चाहे आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो या फिर 20,000 से ट्रेड कर रहे हो या फिर आप 1 लाख या फिर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, कितने भी अमाउंट से आप ट्रेड क्यों ना कर रहे हो, सारा का सारा पैसा आपको सिंगल ट्रेड में नहीं डालना है। मैक्सिमम आपको 30% to 40%, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना पैसा आप सिंगल ट्रेड में डाल सकते हो। एटलीस्ट आपका 60 to 70% कैपिटल सफिशियंट होना चाहिए जो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है ट्रेड करने के अलावा। वो जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपको इस पार्टिकुलर ट्रेड से लॉस हो गया तो आपको लॉस को रिकवर करने का पैसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो लॉस को रिकवर करने के लिए हम वापस से अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही अपना ट्रेड में प्लानिंग करना होगा और जितना भी फंड है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है और सिर्फ 30 to 40% का यूटिलाइजेशन करना, किसी सिंगल ट्रेड में पूरा पैसा का यूटिलाइजेशन नहीं करना, ये भी आपको समझना। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी गलती करते जनरली छोटे मोटे ट्रेडर जिनके पास 20,000 30,000 10,000 का मनी होता है, कैपिटल होता है, वही ये सारा गलती करते हैं। एज ए रिजल्ट वो सिंगल ट्रेड में पूरा का पूरा नुकसान करके चले जाते हैं, फिर वहाँ से रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। ये गलती भी आपको रिपीट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि आपका 100% एक्यूरेट हो। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं बनाए, चाहे मैं क्यों ना बोलूँ या फिर कोई बोले, आपको बिलीव नहीं करना, कोई ऐसा स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर आप इसके पीछे भाग रहे हैं तो कोई ऐसा स्ट्रेटजी बना ही नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हर एक स्ट्रेटजी का एक एक्यूरेसी होता है, एक पार्टिकुलर मार्केट पीरियड में वो आपका काम करता हुआ दिखता है। जो मार्केट का डायरेक्शन होता है वो होता है, एक आपका अपसाइड होता है, दूसरा होता है डाउनसाइड, और तीसरा होता है आपका रेंज बाउंड। और कोई एक स्ट्रेटजी इस तीनों मार्केट कंडीशन में फिट नहीं बैठ सकता है। कोई स्ट्रेटजी होता है जो आपके अप ट्रेंड मार्केट में फिट बैठता है, कोई होता है जो डाउन ट्रेंड वाले में फिट बैठता है, कोई होता है जो रेंज बाउंड वाले मार्केट में फिट बैठता है। तो कोई एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे हम सारे मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए कोई एक स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होता। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हर एक स्ट्रेटजी का अपना एक एक्यूरेसी लेवल होता है, किसी का होगा आपका 50%, किसी का होगा आपका 60%, किसी का होगा 70%, इतना ही एक्यूरेसी लेवल होगा। यानी अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 7 में प्रॉफिट होगा, 3 में नुकसान भी होगा। तो हर एक ट्रेड का एक फिक्स्ड एक्यूरेसी लेवल होता है और फिक्स्ड मार्केट कंडीशंस में वो काम करता हुआ दिखता है। इसलिए हमें वैसा कोई स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और वैसा कोई स्ट्रेटजी समझ के ट्रेड भी नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वन स्ट्रेटजी अगर काम नहीं कर रहा है तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप करने लग जाते हैं। यानी एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप करते हैं विदाउट मार्केट साइकिल को समझे हुए। अभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट का 3 साइकिल होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और आपका रेंज बाउंड। अगर आप इस मार्केट साइकिल को देखें तो कई बार आपका अप ट्रेंड लंबा चलता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का मार्केट साइकिल होता है, कई बार डाउन ट्रेंड का भी लंबा मार्केट साइकिल होता है, कई बार रेंज बाउंड का भी लंबा मार्केट साइकिल होता है। तो अलग अलग मार्केट साइकिल में अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करता है। अगर हम मार्केट साइकिल को समझे बिना एक स्ट्रेटजी से दूसरे स्ट्रेटजी में जंप करेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे हमें लॉस उठाना पड़ेगा। तो जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करें, उस स्ट्रेटजी के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, उस स्ट्रेटजी का साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उस स्ट्रेटजी का हमें इस्तेमाल कहाँ पे करना, किस मार्केट साइकिल में करना, फिर आपके लिए वो काम करेगा। ऐसे ही अगर आप एक स्ट्रेटजी से दूसरे स्ट्रेटजी पर जंप करोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, सिर्फ लॉस ही होने वाला है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो मैक्सिमम लोग, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ओटीएम ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से हमें 2 से 3 गुना रिटर्न सिंगल डे यानी इंट्राडे में मिलता हुआ दिख जाएगा या फिर 1 वीक में मिलता हुआ दिख जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा करने के चक्कर में आप 2 से 3 गुना प्रॉफिट एक ट्रेड में मिल सकता है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा 10 गुना तक का नुकसान आप अगले 10 ट्रेड में कर लोगे। इसलिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो हमेशा आपको क्या करना, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस बाय करना प्रेफर करना। यानी तो अगर आपके पास कम पैसा है तो मैक्सिमम आप एटीएम पे जा सकते हैं, यानी एट द मनी पे जा सकते हैं। अगर इससे भी कम पैसा है तो फिर ऑप्शंस में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ओटीएम में आपको गलती से भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ओटीएम में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हम ओटीएम में ट्रेड करें, यहाँ पर मुझे लॉस ही होगा, लॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तब फिर आप ओटीएम में ट्रेड करो। अगर ये मेंटलिटी है तो फिर आप ओटीएम में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो सोच रहे कि हमें प्रॉफिट आएगा, तो फिर आप गलत मेंटलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे ट्रेड करने का मतलब है कि आप पूरा रिस्क पे खेल रहे हो, पूरा आप रिस्क ले रहे हो। इसलिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, ओटीएम ऑप्शंस में ट्रेड करने का गलती नहीं करना। तो ये सारा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और इन सारे पॉइंट के ऊपर अगर आप काम करेंगे रियल मार्केट में तो आप अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो नुकसान होता है उसके पीछे यही रीज़न है और यही कारण है कि आप अपने ट्रेड को लॉस में डालते हो। आपके पोजीशंस में आप जो ट्रेड लेते हो उनमें नुकसान होता है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा और अगले आने वाले कुछ ट्रेड में आप अपने लॉसेस को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।